सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th, सब्जेक्ट है मराठी, उसका लेसन 4, उपास। इसके लेखक है पु ल देशपांडे। उनका जन्म 1919 में हुआ और 2000 में उनकी मृत्यु हो गई। अब ये लेखक किस विषय पर है? मध्यम वर्गीय व्यक्तिचा संकल्प व संकल्प पूर्ति कसे अंतर पड़ते। मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास व्यक्ति का संकल्प, संकल्प यानी रिजोल्यूशन, जो हम नए साल में बोलते ना कि ये साल में झूठ नहीं बोलूँगा, जो 1 तारीख को लेते हैं, वैसा कोई संकल्प या कोई योजना। जो मिडिल क्लास व्यक्ति है ऐसा कोई संकल्प लेता है और उस संकल्प को पूरा करने में क्या अंतर होता है आणि संकल्प करण्याचा व्यक्ति कसा हास्यपद ठरतात याचे मजेदार चित्रण प्रस्तुत लेखात पु ल देशपांडे यांनी केले आहे। यानी जो लेखक है उन्होंने एक उपास करने का संकल्प किया है। उस संकल्प को पूरा करने में क्या क्या अड़चने आई, कितने लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कितने जोखिम हुए, उसका बहुत ही मज़ेदार चित्रण इस पूरे लेख में किया गया है। आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। चलो चैप्टर शुरू करते हैं। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चालीत जाहीर झाली। माझ्या खाजगी, खाजगी यानी पर्सनल यानी प्राइवेट, उपोषणाची, उपोषणाची यानी उपास की हकीकत पूरे चौल भर में मालूम पड़ गई। यानी जो लेखक ने जो उपास रखा था पर्सनली, उसकी बात पूरे चौल में पता चल गई। आणि येता जाता ही माझी नाही ती माड भानगड आहे, उगीच हात दाखून अवलक्षण आहे, पेलल नाही तेव्हा खाजगी झाल, अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली। अभी उन्होंने उपास रखा है तो यहाँ पे आते जाते उन्हें कुछ वाक्य सुनने मिल रहे हैं, कुछ प्रोवर्ब्स है। नाही ते भानगढ़, ये एक प्रोवर्ब्स है, इसका मतलब होता है कि ये लेखक किस चक्कर में पड़ गया है। उगीच हाथ दाखून अवलक्षण है, यानी खुद से ही मुसीबत को पास में बुलाया, इसका मतलब ये होता है। पेलेल नाही तेवा खाजगी घाल, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया तब उन्होंने ये करने का सोचा। ऐसे ऐसे वाक्य वो जब आते जाते थे तो उनको सुनने मिलता था, उनके कान को वो आवाज़ आती थी। पण मी कोणत्याही टिकेला भीक घालणार नाही तो। अब वो जो लेखक थे उन्होंने जो उपास रखा था, जो संकल्प किया था, उसके लिए लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन जो लेखक थे वो किसी भी बात को भीख घाड़ना न तो, यानी मैं घास नहीं डालने वाला था, यानी उनके बारे में सोचने वाला नहीं था। 181 पौन रात्र दिवस ते काड़ माझा डोड़िया पुढ़े नाचत होते। अभी उन्होंने अपना वजन कराया था तो उस वजन कार्ड में 181 पौन ऐसा उस कार्ड में लिख के आया था, तो वो कार्ड उनकी आँखों के सामने नाच रहा था। वजन केली कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली होती। और अभी इतना वजन हो गया है तो अभी वजन को कम करना है, ये सोच सोच कर ही लेखक की झोप, झोप यानी नींद उड़ गई थी। झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचे ही काही वाटत नव्हते। अभी इन लेखक ने कहीं सुना था कि अगर नींद उड़ जाए तो वजन कम होने लगता है, तो ये विचार उन्होंने सुना था, तो अभी उनकी नींद उड़ गई है तो उनको टेंशन नहीं था कि मेरी नींद उड़ गई है, वो सोच रहे हैं कि इससे तो वजन ही कम होगा ना। मी पूर्वी सारखा गाढ़ झोपत नहीं यावर धर्म पत्नीचा मात्र अजीबात विश्वास नव्हता। अभी मैं पहले की तरह, पूर्वी सारखा यानी पहले की तरह गाढ़, गाढ़ यानी गहरी नींद, मैं सोता नहीं हूँ,
मैं पहले की तरह गहरी नींद में नहीं सोता हूँ। इस पर उसकी जो धर्मपत्नी थी उसको विश्वास नहीं हो रहा था। अजीब बात, विश्वास नहीं, यानी उसका विश्वास बैठ ही नहीं रहा था। घोरतर असता रात्रभर असा सारखी दुरत्ते ती मला करत होती। घोरतर असता यानी वो क्या बोलती है, रात भर खराटे तो आप मारते रहते हैं, ऐसा वो उत्तर लेखक को दे रही थी। दोन महिन्यात 50 पौंड कमी करून दाखवीन तर खरा, अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहार शास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागले। अभी जो लेखक थे उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा यानी उन्होंने एकदम दृढ़ निश्चय किया था, बहुत ही कठिन शपथ खाई थी कि वो 2 महीने के अंदर अपना 50 पौंड वजन कम करके दिखाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया था, आहार शास्त्र वर्चा पुस्तकात जो डाइटिंग की जो पुस्तक होती है उसके अंदर डोके यानी अपना सर घुसा लिया, यानी वो सब पुस्तक पढ़ने में वो लग गए। प्रोटीन युक्त पदार्थ चर्बी युक्त द्रव्य वगैरह शब्दा बदलची माझी आस्था वाढ़ू लागली। अभी ये जो प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, चर्बी युक्त द्रव्य यानी जिसमें फैट होते हैं, ऐसे जो शब्द के प्रति उनकी आस्था बढ़ने लगी थी। सारे टाटातले पदार्थ मला न दिसता, नुस्त्या कैलरीज मला दिसू लागल्या। अभी उनके सामने सारे टाटातले यानी उनके प्लेट में उनको पदार्थ यानी खाना नहीं दिखता था, सिर्फ क्या दिखता था, कैलरीज, सिर्फ उनको कैलरीज ही नज़र आती थी कि इसमें इतना कैलरी है, इसमें इतना कैलरी है, बस। आनंदाची गोष्ट असी, अभी आनंद की बात ये है कि वजन उतरण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ज्ञ मला रोज दर्जन वारीने भेटू लागले। अभी आनंद की बात यह है कि वजन को कमी करने के लिए शास्त्रार्थ यानी जो वजन की कमी करने वाले की जो कला है उसमें जो लोग माहिर है, तज्ज यानी जो लोग माहिर है, वो रोज़ लेखक को दर्जन दर्जन यानी 10-12 लोग रोज़ लेखक को मिलने लगे। इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपासाची अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डाएटाचा सल्ला दिला। अभी जो चाल के अंदर जो हमने प्रोस पता ना, नाही ती भानगड़ आहे, हाथ दाखून मतलब सब ज़्यादा हो गया तो इसने किया, अपने पर क्या मुसीबत ले लिया है, ये जो चाल के जो लोग बोल रहे थे उन लोग ने भी आके जिन्होंने जो लेखक के उपासना का अवहेलना यानी अनादर किया था वो लोग भी आकर क्या कर रहे थे, लेखक को डाइट का सलाह दे रहे थे। उदाहरण के लिए साकोजी त्रिलोक कहकर, अभी उनमें से एक का नाम यहाँ पर दिया गया है। अभी ये साकोजी त्रिलोक कहकर क्या बोल रहे हैं, तुला सांगतो मी पंथ डाइट कर बटाटा छोड़, बटाट्याचं नाव काढू नकोस। अभी ये साकोजी त्रिलोक का क्या बोल रहे हैं कि तुला सांगतो मी पंथ यहाँ पे लेखक को कहा गया है, मैं तुमको बोलता हूँ कि डाइट करो बटाटा छोड़ो यानी पटेटो, सबसे पहले पटेटो छोड़ो, पटेटो को मतलब बटाटे का नाम भी मुंह से निकालने का नहीं। हो मंजे कुठे राहता मड़ून विचार तर नुसत चालित राहतो मड़ा, बटाट्याची चाळ मड़ू नका वजन वाढेल खिखिखी, जनोबा रेगे या इस्माला काय मड़ावे हे मला कळत नाही। अभी ये जो लेखक है वो कहाँ रहते हैं, बटाट्याची चाळ। तो जब साकोजी तिलोकर बोलते हैं लेखक को कि पंत बटाटा छोड़ दो यानी पटेटो छोड़ दो और बटाटे का नाम भी अपने जवान पर
लाने का नहीं। तो इस पे ये जनोवा रह गए हैं, वो क्या बोलते हैं, हाँ अगर कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ रहते हैं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि मैं चाल में रहता हूँ, बटाटे ची चाल बोलना नहीं। अगर आप बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वजन बढ़ जाएगा। और ऐसा बोल के वो हंसने लगता है। तो जनोबा रह गए या इस्माला का ये मढ़ावे हे मड़ा कड़त नहीं। अभी जो लेखक है ये बात सुनते हैं तो बोल रहे थे कि इस्माला यानी इस आदमी को क्या बोलने का मुझे समझ में आता नहीं। नेमी तिरके बोला चे मंजे का है, ये जब भी बोलता है कैसा बोलता है, टेढ़ा ही बोलता है, समझे। पण सोकाजी ने त्याला परस्पर जामुन टाकले। अभी जब इसने बोला ना मजाक में कि कहाँ रहते हैं, तो बोलने का कि मुंह में से आवाज़ नहीं निकालने का, खाली बोलने का चालीत में रह, क्या बोलते चाली में रहता हूँ। तो अगर बटाटे का नाम निकालेगा तो वजन बढ़ जाएगा। तो जो साको जी तिलकर है क्या उसे कहते हैं, उसे चिल्लाते हैं, उसको चुप करा देते हैं, जामुन टाकने यानी उसको चुप करा देते हैं। और क्या बोलते हैं, ए इडियट सगड़ियात गोष्टी जोक काय मारतोस नेहमी, तू हमेशा हर एक बात पे क्या जोक मनाते रहता है, मी सांगतो तुला पंथ तू बटाटा छोड़। अभी वो लेखक को बोल रहे कि पंथ तू बटाटा छोड़, मी काय काय सोडले असता माझी वजन घटेल याची यादी बटाटा पासून सुरू झाली। अभी जो लेखक क्या क्या छोड़ने वाले थे उसकी शुरुआत उन्होंने किससे की, बटाटा छोड़ने से। यादी यानी उनकी लिस्ट, उनके लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका था, बटाटे का। बटाटा ठीक है पर पंत आदि भात छोड़ा एक सलाह। अभी जब ये बात हो ही रही थी तो एक और सलाह दिया कि बटाटा तो ठीक है लेकिन भात छोड़ो, चावल। हाँ अभी ये सलाह किसी ने दी तो अभी एक और काशीनाथ नारगणी करके क्या बोलते हैं, भाता ने थोड़ा लट फैल होता, अब बोलते हैं कि चावल खाने से थोड़ी ना कोई मोटा होता है, आमच्या कोकणात सगड़े भात खाता। अभी जो कोकण है वहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, उनका खाना ही है भात चावल। तो वो बोल रहे हैं कि चावल खाने से थोड़ी मोटे होते हैं, हमारे कोकण में तो सब भात खाते हैं, कूठे आहे लट कौन है मोटा। तो क्या बोलते हैं, तुम्हें दाल छोड़ा। वो क्या बोल रहे हैं कि चावल खाने से कोई मोटा नहीं होता, हम लोग यहाँ सब लोग चावल ही खाते हैं, आप एक काम करो दाल छोड़ो, ऐसा काशीनाथ नारगणी कहते हैं। अभी एक और जन क्या बोल रहे हैं, मुख्य मंजे साखर छोड़ा। अभी कोई और बोल रहा है कि शक्कर छोड़ो, मी सांगू मीठ छोड़ा। और एक और कोई बोल रहा है कि मीठ मीठ यानी नमक छोड़ो। अभी सब एक नया नया सलाह उसको देते जा रहे हैं। अभी एक और क्या बोल रहा है, लोड़ी टूप, लोड़ी का मतलब होता है बटर और टूप का मतलब होता है घी। तो कोई एक और बोल रहा है कि बटर और घी छोड़ दो, एका आठवड़ा दया कोण वजन घटला नहीं तर नाम बदलनी। अब वो कह रहे कि एक सप्ताह के अंदर अंदर, आठवड़ा यानी एक सप्ताह के अंदर अंदर 10 पाउंड वजन कम नहीं हुआ तो वो अपना नाम बदल देंगे। आमचा हेड क्लर्काचा वाइफ घटल। अभी वो उदाहरण दे रहे कि उनके कोई हेड क्लर्क की वाइफ थी, उनका वजन क्या बोलते 10 पाउंड कम हो गया था। तेल आनी तरलेड़े पदार्थ आड़ी छोड़ा बाबू काका। अभी एक और पर्सन है वहाँ पर, वो क्या बोल रहे कि तेल और तेल से तला हुआ पदार्थ जो होता ना समोसा वड़ा वगैरह वगैरह वो सब छोड़ दो। अब एक और सलाह, दिवसा झोपट छोड़ा, और जो दिन में जो सोते हैं ना वो मत सो, वो भी छोड़ दो। खर मंजे पत्ते खेड़ाए छोड़ा, बसून बसून वजन बढ़त। अभी वहाँ पे लोग टाइम पास के लिए पत्ते खेलते थे, तो वही बोल रहे हैं कि बैठे बैठे पत्ते खेलना ही छोड़ दो, क्योंकि बैठे बैठे रहने से भी वजन बढ़ता है।
मी मात्र या सर्व जनाचे एकूण मनायचे करायचे ठरवले होते। अभी लेखक सबका सुन रहे हैं, सबका सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या सोचा है कि मैं सुनूंगा सबका लेकिन करूंगा अपने मन का ही। पहला उपाय, मी आहार परिवर्तन शुरू केले। तो सबसे पहले लेखक ने क्या किया, आहार परिवर्तन किया। साखरेत सर्वात अधिक कैलरीज असतात म्हणून प्रथम बिन साखरेचा चहा सुरू केला। अभी लेखक ने जो शक्कर था उसमें सबसे ज़्यादा कैलरी होता है, इसलिए सबसे पहले बिना शक्कर का चाय शुरू किया। पहले दिवसी विशेष फर्क ही वाटला नहीं, पहले दिन उनको कुछ लगा नहीं, जैसे रोज की चाय होती है वैसा ही लगा, और ऐसा क्यों लगा ये हम आगे देखेंगे। घरात साखरबंदी जाहिर केली, जब उनको कुछ फर्क नहीं लगा तो उन्होंने बोला चलो शक्कर के बिना चल रहा है, तो घर में शक्करबंदी उन्होंने घोषणा कर दी। कुटुंबाला सारी दिवाळी टिकटा मिठावर उरकायची शक्त ताकीद दिली। अभी जो कुटुंबाला यानी जो परिवार के लोग थे उनको कहा कि जो दिवाली है वो टिकट मिठावर यानी तीखा और नमकीन उस पे ही बिताना है, उरकायची यानी ख़त्म करना है यानी बिताना है, यानी मीठे मीठे में कुछ नहीं बनाना है। मुलासाठी म्हणून काय थोड़ गोढ़ाज करायचे आहे ते कर, मतलब जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत मीठा बनाना है, सिर्फ उन्हीं के लिए एवढी सवलत दी ठेवली, यानी इतनी उन्होंने छूट दी कि बच्चों के लिए थोड़ा बहुत मीठा बना सकती है। पहिल्या दिवशीच मला फरक जाणवायला लागला। अभी इन्होंने बिना शक्कर की चाय शुरू की, बटाटा वड़ा और पूरा जो दिवाली था ये सब उन्होंने ठहराया कि शक्कर के बिना ही सब होगा, तो अभी उनको अंदर से ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरा वजन कुछ कम हुआ, कुछ मुझ में फ़र्क पड़ रहा है। भात अजीबात वर्ज करने अवगढ़ होते। अभी जो लेखक थे उनको चावल बहुत पसंद था, तो उनके लिए चावल छोड़ना, वर्ज करना यानी छोड़ना बहुत अवगढ़, यानी उनको बहुत मुश्किल लग रहा था। मरून फक्त पहला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज केला। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो पहला भात था और ताक भात, ये जो रात में थोड़ा सा छाछ के साथ जो भात खाते हैं ना, वो मधला भात वर्ज केला। तो उन्होंने क्या किया, जो स्टार्टिंग में जो थोड़ा भात खाते हैं और रात को जो भात खाते उनको उन्होंने वर्ज किया यानी छोड़ दिया, सिर्फ पहला और लास्ट का भात रखा। नुसती उकळलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला, आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नाही। अभी जो लेखक थे, अभी शक्कर तो ठीक था, अभी उकळलेली पालेभाजी अभी उबली हुई जो भाजी थी वो खाने को कैसा लगेगा, ऐसा उनको लगा कि मैं नहीं खा पाऊँगा, लेकिन उनका ये जो विचार था कि मैं नहीं खा पाऊँगा वो एकदम पोकल था यानी एकदम खोखला था। क्यों, त्यांचे अनुभव ती खाल्ल्यावर आला, जब उन्होंने वो खाया वो उबली हुई भाजी तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो उनकी जो वाइफ है इसमें जो ती है ना, ही है ना ही, वो उनकी वाइफ को कहा गया है, उनकी जो वाइफ रोज़ जो तेल का मसाले का भाजी बनाती थी और ये जो उबले हुए भाजी उसने जो बनाया है उन दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था। तो इसीलिए लेखक बोल रहे कि उनका जो विचार था वो एकदम पोकड़ निकला, यानी उनको लगा कि मैं नहीं खा पाऊँगा, लेकिन उनको पता चल गया कि उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, यानी पोकड़ यानी उनको खोखला लगा। पहला दिवसी सुरलित गेला। अभी जो पहला दिन था उनका
व्यवस्थित तरीके से चला गया। आणि दुसऱ्या दिवशी वस्त्रभृंगाचा प्रसंग आला। अभी दूसरे दिन क्या हुआ, उपास तुटने का ऐसी कुछ प्रसंग आया। पहिल्या दिवशी निम्याहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटवण्याच्या व्रताची वार्ता गेली होती। अभी पहिल्या दिवशी पहिले दिन था ना, निम्याहून यांनी आधे से ज़्यादा कचेरीला नहीं ऑफिस आधे से ज़्यादा ऑफिस वाले को उनके वजन घटने की जो न्यूज़ थी वो पता चल गई पहले दिन। पण दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाडगोलाला प्रमोशन मिळण्याची वार्ता आली। अभी पहले दिन आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता चल गया कि लेखक वजन घटाने के लिए यानी राइटिंग कर रहे हैं। अभी दूसरे दिन क्या हुआ, उनके जो ऑफिस में एक अण्णा नाडगोला था उनका प्रमोशन हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे सेक्शन ला पार्टी दिली, यानी इस खुशी में उन्होंने पूरे सेक्शन को पार्टी दी। अब पार्टी में देखो क्या है, कैंटीन चे आचार्या ने तर माझ्या डाएट वर सूड घ्यायचा असे ठरवून प्रदात केले होते। अभी कैंटीन चे आचार्यानी कुक जो कैंटीन का जो कुक था उसने ऐसा खाना बनाया था जैसे लग रहा था कि उसने सूड यानी बदला ले, मेरे डाइट से बदला लेने की ठान ली है। अभी आप पार्टी में जाओगे तो वहाँ थोड़ी ना उबला हुआ खाना मिलेगा, वहाँ सब तो तेल का बटाटे का ये सब ही मिलेगा ना, तो वो एक ताने मारते हुए बोल रहे हैं लेखक। बर न खावे तर अन्ना नावर गोड़ाला वाइट वाटना, अगर वो नहीं खाएंगे वाइट वाटना यानी बुरा लगेगा है ना। बिचारा 6 वर्षांनी एफिशिएंसी बार यांच्या जाड्यातून बाहर पडला होता। अभी वो 6 साल से ट्राई कर रहे थे, तो 6 साल के बाद वो उससे बाहर आए थे और उनको प्रमोशन मिला था। आचार्य ने मिठाईत साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती। अभी वो जो कुक था उसने मिठाई के अंदर शक्कर नहीं डाली थी, बल्कि शक्कर के अंदर मिठाई डाली थी ऐसा लग रहा था। घासा घासा गणित सहस्रावधि कैलरीज पोटा चालेल्या होत्या। अभी घासा घासा गणित यानी कि हर एक बाइट में घासा घासा गणित यानी हर एक बाइट में सहस्रावधि यानी हजारों कैलरीज उनकी पोट में यानी उनके पेट में जा रही थी। ऐसा खाना था कि हर एक बाइट में उनके पेट में हजारों कैलरीज जा रही थी, त्यामुळे खालेले गोड लागत नव्हते, इसलिए उनको खाने में मजा नहीं आ रहा था। बटाटे वड़े होते म्हणजे आणखी कैलरीज, अब वहाँ पे बटाटा भी था तो लेखक सोच रहे कि अभी और भी कैलरीज जाएगा। चिवड़ा, अभी वहाँ पे चिवड़ा भी था, चिवड़ा भी कैसा था, असल वनस्पति तला, त्यामुळे आणखी कैलरीज। तो चिवड़ा भी जो बनाया गया था वो किससे बना था, असली वनस्पति के तेल से बनाया गया था, तो उसके अंदर और कैलरीज। आणि एवढे सगळे हादडून शेवटी भज्याशिवाय पार्टी कसली, हा भिकोबा मुसल्यांच्या टोमड्यामुळे चेकालून नाडगोळाने स्पेशल भज्यांची परत ऑर्डर दिली। अभी इतना सब उन्होंने खाया, हादरून का मतलब होता है कि एकदम हावरे के जैसे खाया, मतलब एकदम पेट भर दबा के खाया इतना, उसके बाद भी ये जो भिकोबा नाम का जो आदमी है वहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि जो भजिया होता है ना उसके सिवाय पार्टी कैसी, यानी उसको भजिया अभी चाहिए इतना खाने के बाद भी। तो उसने ऐसा बोला कि भजिया के सिवा पार्टी कसली, तो उसके टोणिया मुड़े यानी उसने जो ताना मारा उसके कारण नाड़गोड़ा ने यानी जिसने पार्टी दी थी उसने चेकालून यानी गुस्से से बोल सकते हैं या फिर भड़क के उसने क्या किया, ऑर्डर कर दिया, समझे।
तो उन्होंने भजिया का भी ऑर्डर दे डाला। अभी आगे, सेवटी मला राहवेना। अभी जो आगे है, आखिरकार अभी ये सब जो चीज़ें थी वो लेखक के एकदम मनपसंद थी तो उनसे रहा नहीं गया। भाजियांची सहावी प्लेट उड़ाल्यावर, अभी वो अपने जो भज्जे की छठवीं प्लेट उठा रहे और क्या बोलते हैं, देखो लेखक क्या बोल रहे हैं। मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात साध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले। अभी वो छठी प्लेट उठा रहे और क्या बोल रहे, केविलवाण्याने होता है एकदम सिंपल तरीके से, एकदम सादेपणा से क्या बोल रहे कि मैं डाइट पे हूँ। अभी कोई भी इतना खाने के बाद और ऊपर से 6 प्लेट भजिया वो खा चुके हैं और वो बोलेंगे कि मैं डाइट पे हूँ तो कोई भी बोलेगा कि ये क्या पागलपना कर रहा है ना, तो वही है, तो सब उसको वेड़ याद काट ले, यानी बोल रहे हैं कि क्या बोल रहा है। अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध, भिकोबा मुसले मढाला। अभी ये जो भिकोबा है वो क्या बोल रहे हैं कि खाने का और वजन का क्या संबंध है। पंत अभी वो लेखक से पूछ रहा है। मी बघ 21 गुलाब जामुन खाले एवरेज काय, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज केली नाही। अभी वो बोल रहा है कि देख मुझे देख, मैं 21 गुलाब जामुन खा चुका हूँ लेकिन और कभी मैंने एक्सरसाइज भी नहीं किया और मैं पतला ही हूँ, मतलब तुझी कुंभ रास नी कुंभ लगना है। अब उसको बोल रहे हैं कि तेरी जो राशि है वो कुंभ है और जो तेरा शादी हुआ है वो भी कुंभ में हुआ है, कुंभ लग्न है, तो नुस्ता वायु भक्षण करुण राहिलेस तरी तू असा जाड़ा चाड़िया रहना। अब क्या बोल रहा है कि तेरी जो राशि कुंभ है इसके वजह से अगर तूने हवा भी खाया तो भी तू मोटा ही रहेगा और मोटा ही होता जाएगा। लट्टपणा काय आपल्या हातात आहे, मोटा होना कि हमारे हाथ में है, ऐसा वो भिकोबा बोलते हैं। नॉनसेंस, जग डाले ओरला रनिंग का रोज। अभी उसको बोल रहा है, अभी ये नए बंदा है वो क्या बोल रहा है, नॉनसेंस रनिंग का रोज, रोज भागो। रनिंग इच्छा देखील डोरी वरचा उड़िया मारा, बर का पंत माझा सिस्टर वेट 40 पौंड उतरल डोरी वरचा उड़ियानी कू कमलिनी केकरे मड़ाली। अब ये क्या बोल रही है कि रनिंग से तो ठीक है, वो क्या बोलते हैं स्किपिंग, हाँ अगर वो रस्सी कूद करेंगे तो उनका वजन जल्दी जल्दी कम होगा। वो बोलती है कि मेरी सिस्टर का वजन 40 पौंड कम हो गया, ये कू कमलिनी केंकरे ऐसा बोली। अभी आगे, शेवटी सर्वात मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी डोरीवरच्या उड्या मारव्यात असे ठरले आणि मी 7व्या बशीमधले भजे उचलले। अभी शेवटी यानी आखिरकार उन्होंने क्या सोचा लेखक ने कि मैं सुबह में रनिंग करूँगा और शाम को वो स्किपिंग करेंगे, समझे, ऐसा उन्होंने ठाना और ऐसा बोलते बोलते मतलब बोल नहीं रहे, ऐसे उन्होंने सोच लिया कि मैं सुबह में रनिंग करूँगा और शाम को स्किपिंग करूँगा, ऐसा बोलते ऐसा सोचते सोचते उन्होंने वो जो अभी 6 प्लेट तो खा लिए थे वो 7वां प्लेट भी उठाया और उसका भजिया उठाकर वो खाने लगे। अभी इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।